हेलो फ्रेंड्स, मैं मालिक मलिक। मैं आज आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ये जो देखिए मेरे पास है ये वाला, ये जो कोनिका का जो होता है जेरोक्स मशीन, बजाज 206 मॉडल का ये है कैटरेज। इसका हम रिफिलिंग करेंगे। अगर इसका हम बाजार से खरीदना चाहेंगे तो 1500 या 1600 रुपये लगता है, लेकिन हम अगर इसको रिफिलिंग कर देंगे तो 300-350 में ये हो जाएगा। हमें और बार बार न्यू कैटरेज खरीदना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं आज आपको ये वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें कैसे इसको खोलते हैं और कैसे इसको रिफिलिंग करते हैं हम सारी बातें इसमें बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए ये है कैटरेज और ये है जो आपका जो पाउच होता है, ये जो डस्ट टोनर है, ये है ग्रो लैम का। ये बहुत बढ़िया है और सस्ता में इतना अच्छा आपको पाउडर कहीं से भी नहीं मिलेगा। ये टोनर कहीं से भी इतना अच्छा और इतना सस्ता आप कहीं से भी नहीं मिलेगा। आप चाहें तो आप एक बार इसको आजमा लीजिए। मैं क्योंकि मैं 4 साल से इसको यूज कर रहा हूँ, मेरा जो जेरोक्स मशीन है कोनिका में, मैं इसको यूज कर रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ ये ड्रेसिंग भी निकलता है, मास्टर भी निकलता है और पेपर में भी निकलता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप इसको यूज करके देख सकते हैं। और ये है और एक है आपका, देखिए ये है फेविकल, ये है फेविकल। लेकिन एक्चुअली इसमें जो स्टिकर का जो गम होता है इसको जरूरत था, लेकिन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए मैं ये जो फेविकल का जो ट्यूब एक ले आया हूँ इसमें इसको चिपकाएंगे। लेकिन आपका पास अगर स्टिकर का गम होगा तो इससे अच्छा हो जाएगा, इससे आपको जरूरत नहीं पड़ेगा स्टिकर गम में, आप इसको लगा सकते हैं। और इसके लिए जरूरत है एक टेस्टर या स्क्रू ड्राइवर जरूर कर सकते हैं, छोटा सा, ये देखिए छोटा सा एक स्ट्रिंग। और एक है कटर, ये देखिए जो मार्केट में मिलता है, ये है कटर, ये कटर इसमें जरूरत है हम कैसे इसको रिफिलिंग करेंगे। और एक है ब्लोअर, ये है मेरे पास है इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप कपड़ा में भी काम कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप कपड़ा में अगर अच्छे से इसको पोंछ देंगे तो आपका काम हो जाएगा, आपका एक ब्लोअर का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले होता है इसको खोलना। ये देखिए ये जो होता है इसको पहले खोलना पड़ेगा। ये जो कवर है इसको पहले खोलना पड़ेगा। अगर देखिए हम अगर इसको खींचेंगे तो ये भी नहीं निकलेगा, ये लॉक हुआ है, ये लॉक को पहले हमको खोलना पड़ेगा। खोलने के बाद क्या करेंगे हम आपको दिखाएंगे। तो इसलिए हमको चाहिए एक टेस्टर। टेस्टर में मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। देखिए आप क्या करेंगे, देखिए ये 3-4 पॉइंट है लॉक है, देखिए ये है, ये है, ये है और आपका ये है, 4 पॉइंट है। इसका आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर, देखिए आइदर इसको ऊपर ये करेंगे नहीं तो इसको पुश कर देंगे। इसको देखिए स्क्रू ड्राइवर जो है इसको अंदर घुसा के इसको पुश कर देंगे। देखिए एक हो गया है और दूसरा ऐसे करके इसको पुश कर देखिए, और तीसरा इसको पुश कर दीजिए, और चौथा इसको पुश कर दीजिए। देखिए अभी ये निकल गया है, ये जो है देखिए ये बहुत सारा डस्ट निकल रहा है, ये है डस्ट, ये जो वेस्टेजिंग जो बोलते हैं ये वाला निकल गया है। और इसको पहले हम क्या करेंगे, ब्लोअर में इसको साफ कर लेंगे। हम थोड़ा कपड़ा ले आते हैं, इसको कपड़ा में पहले हम इसको साफ कर लेंगे, ये कपड़ा में हम साफ कर लेंगे। देखिए नहीं तो आप ब्लोअर भी आप लगा सकते हैं, देखिए ये वाला जो लॉक होता है ये निकल गया था,
देखिए ये वाला जो लॉग है इसमें से लगता है ये निकल गया था, हम तो निकलना था इसको, और इसको हम रखते हैं यहाँ। और इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा ब्लर कर देंगे, ये जो अंदर जो लगा हुआ है, इसका अंदर जो लगा हुआ है इसको हम ब्लर कर देंगे। देखिए इसको हम ऐसे इसको हम ब्लर कर रहे हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम साइड कर देंगे, ये जो डस्ट है इसको। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये जो होता है, ये जो सील किया हुआ है, देखिए ये वाला सील किया हुआ है, एक पॉलिथीन जैसा है, जरी जैसा है, प्लास्टिक है, इसको हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ना, इसके लिए हमको एक कटर, देखिए ये वाला कटर जरूरत है। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम धीरे से, देखिए ये जो लगा हुआ है यहाँ, इसको हम थोड़ा करके इसको निकल लिए, देखिए इसका हम निकाल लिए और इसका हम कर देंगे ब्लर। निकल गया है, इसका हम करते हैं साइड। और इसके बाद देखिए इसमें हम क्या करेंगे, रिफिलिंग करेंगे। देखिए ये खाली हो गया है, ये जो मुंह है इसका खाली हो गया है, इसके अंदर कुछ बचा हुआ है लेकिन हम इसको नहीं निकालेंगे क्योंकि इसके अंदर थोड़ा बहुत है, लेकिन हम इसको रहने देते हैं, इसको नहीं निकालेंगे क्योंकि ये सेम कंपनी का हम यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरा कंपनी का यूज कर रहे हैं, मान लीजिए अभी जो पाउच जो जिस कंपनी का लिए है, अगर आप दूसरा कंपनी का कुछ ले रहे हैं तो इसको निकाल लीजिएगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, कंपनी चेंज होने से ये डस्ट जो होता है ये खराब हो जाता है, अगर मिक्सिंग होता है खराब हो जाता है। तो अगर आप सेम कंपनी का अगर यूज कर रहे हैं इसको रहने दीजिएगा, अगर दूसरा कंपनी का कुछ यूज करेंगे इसको निकल दीजिएगा, इसको पूरा साफ कर दीजिएगा, इसको पूरा निकल दीजिएगा। लेकिन मैं सेम कंपनी का यूज कर रहा हूँ इसीलिए मैं इसको, इसका अंदर जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है और इसको हम नहीं निकालेंगे। और इसमें थोड़ा पोंछ लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो पाउच है ये है 250 ग्राम का, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 250 ग्राम, लेकिन ये एमआरपी है इसका 465, इसका एमआरपी है 465, लेकिन मुझे मिला था 320 रुपीज़ में मुझे मिला था। अगर आप इसका नया लेना चाहेंगे तो 1500 या 1600 रुपया लगता है, आपका ये 320 में आपका काम बन जाएगा, या 350 या 400 कहीं कहीं भी लगता मन पड़ता होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा ठीक कर देंगे, इन जो लॉक हुआ है, इन जो लॉक मैंने पूरा बैठ गया है, इसको हम थोड़ा फ्री कर देंगे। करने के बाद हम क्या करेंगे, एक देखिए यहाँ एक निकालने के लिए यहाँ दिया गया है इसको फाड़ने के लिए, लेकिन हम क्या करेंगे कटर यूज करेंगे क्योंकि हमें थोड़ा छोटा करना है, इसमें थोड़ा हमें छोटा करना है। देखिए हम सब छोटा सा इसको काटे हैं, देखिए ये छोटा सा, देखिए कैसे कटा हुआ है। इसको क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे, देखिए अभी इसको थोड़ा वाइट कर देंगे, नहीं तो अगर ज्यादा बड़ा होगा तो क्या होगा ना, इसमें से बाहर निकल जाएगा। देखिए इसको हम क्या कर दें, ये खोल लिए, देखिए अब देखिए कैसे खोला हुआ है, अब देख लीजिए, अब ऐसे काटिए और इसको इसको खोल दीजिए, ये जो मुंह को इसको थोड़ा खोल दीजिएगा। इसके बाद क्या करेंगे, धीरे से इसको देखिए यहाँ इसका अंदर हमको डालना है। धीरे धीरे करके इसको पूरा इसके अंदर डाल लीजिए।
धीरे धीरे करके इसको इसके अंदर डाल दीजिएगा। देखिए अभी ये खाली हो गया है। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसके अंदर पूरा चला गया है, अब देख लीजिए। और इसके बाद इसको थोड़ा पोंछ दीजिएगा। हम यहाँ ब्लोअर नहीं मार रहे हैं क्योंकि ये रूम में कर रहे हैं, अगर हम ब्लोअर लगाएंगे तो ये पूरा काला हो जाएगा रूम में। इसको थोड़ा पोंछ दीजिएगा। इसके ऊपर पोंछ दीजिएगा क्योंकि इसमें हम लगाना है, जस्टिकर लगाना है। इसको पोंछ दीजिएगा। देखिए हमारा ये पूरा साफ हो गया है, पूरा साफ हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका देखिए इसमें जब हम स्टिकर लगाए थे, स्टिकर का गम लगाए थे, ये इसमें से है। देखिए स्टिकर का गम है, लेकिन हम इसको यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा इसको डाल देंगे ये वाला। एक्चुअली स्टिकर का गम ही लगाना चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा फेविकोल दे देता हूँ। जगह में पूरा लगा लीजिएगा। देखिए पूरा गम यहाँ लग गया है। लग जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लगाएंगे। देखिए ये पूरा लग गया है इसके अंदर। थोड़ा इसको सूखने दीजिएगा। सूख जाने के बाद ये पूरा सेट हो जाएगा। ये सूख जाने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए ये वाला जो लॉक होता है, ये वाला देख लीजिए आप, ये वाला जो लॉक होता है, इसका आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ लगाना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ यहाँ लगाना पड़ेगा। देखिए ये पूरा सेट हो गया है। और आप क्या करेंगे, और ये जो लॉक है इसके अंदर डाल दीजिएगा। देखिए ये बाहर निकला हुआ है, ये बाहर निकला हुआ है, इसको आप दबा, इसको देखिए इसको हम लगा लिए हैं, और इसको यहाँ इसके अंदर डालना है। देखिए अभी ये लग गया है। अभी हमारा रिफिलिंग कंप्लीट हो गया है, और हम क्या करेंगे, इसमें प्रिंटिंग निकालेंगे। तो ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ दिन के बाद मैं एक वीडियो ला रहा हूँ। ये जो लेजर प्रिंटर होता है हमारा, जो मान लीजिए एचपी का हुआ, कैनन का हुआ, ये लेजर प्रिंटर का जो कैट्रिज लगता है, 12A का लगता है, 15A का लगता है, इसको कैसे रिफिलिंग करेंगे, इसको इसका कैसे ड्रम चेंज करेंगे, इसमें कैसे जो आपका मैग्नेट रूलर कैसे चेंज करेंगे, ऐसे सारे बातें मैं बताऊँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ। चाहिए।